खबरनामा के प्रायोजक हैं रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। Singhania Educational Institute. We're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute. Cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर पुलिस कार्यालय को मिला नवनिर्मित अटल भवन, एसपी ने किया उद्घाटन। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने लहरपुर पहुंच क्षेत्र में देखी कटान रोधी परियोजनाएं। फिर बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मरीजों को बांटे गए फल, रोपे गए पीडीए पौधे। खबरनामा के अंत में बात करेंगे सीएम योगी ने शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के संग की बैठक, बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर हुई समीक्षा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में लागू हुई धारा 144 उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। विधायक चेयरमैन की उपस्थिति में डीएम ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। भारी बारिश ने खोली नगर पंचायत सिधौली और मिश्रिक में जल निकासी व्यवस्था की पोल। रेवसा इलाके में संचालित है अवैध क्लिनिक, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में डीएम ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। दुधवा नेशनल पार्क में सड़क पर विचरण करते बाघ को देख खुश हुए वन्यजीव प्रेमी। हटाए जाएंगे कांग्रेस के कई जिलाध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व ने की तैयारी। प्रदेश पावर कारपोरेशन कर रही बिजली उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर पुलिस कार्यालय परिसर में नवनिर्मित भवन अटल भवन का उद्घाटन सोमवार को एसपी चक्रेश मिश्र ने किया। उद्घाटन अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन, सीओ नगर अमन सिंह, सीओ सदर सतीश चंद्र, प्रतिसार निरीक्षक शिव बालक वर्मा आदि मौजूद रहे। बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों की हकीकत जानने सोमवार को जिलाधिकारी अभिषेक आनंद लहरपुर तहसील क्षेत्र जा पहुंचे। जिलाधिकारी ने शारदा नदी के दाएं किनारे स्थित मुसियाना, महसी, सरैया, पर्वतपुर, लोनियनपुरवा, मुगलपुर आदि की सुरक्षा के लिए बनवाए गए स्टड निर्माण की जानकारी ली। स्थलीय निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को भी जाना। डीएम ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को शेष कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने परियोजनाओं का निरीक्षण करने के बाद प्राथमिक विद्यालय मोतियाना में बैठक की। बैठक के दौरान बाढ़ चौकियों एवं राहत शिविरों की समय से स्थापना किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने SDM लहरपुर आकांक्षा गौतम को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। बैठक के दौरान ADM नीतीश कुमार सिंह, BDO बेहटा प्रदीप कुमार, अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल, जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, ARTO प्रशासन माला वाजपेयी सहित अधिकारी मौजूद रहे। आगामी दिनों में मोहर्रम, श्रावण माह की कांवड़ यात्रा, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, चहलुम जैसे पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस आशय की जानकारी अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने दी। ADM ने बताया कि विभिन्न त्यौहारों, पर्वों के अलावा आगामी दिनों में भर्ती बोर्डों आदि द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। सीतापुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सोमवार को विशिष्ट अतिथि मिश्रित विधायक रामकृष्ण भार्गव और नगर पालिका सीतापुर के चेयरमैन नेहा अवस्थी की उपस्थिति में DM अभिषेक आनंद ने किया। अतिथियों के साथ DM ने ARM ट्रेनिंग सेंटर से जागरूकता वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर CMO डॉक्टर हरपाल सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमलेश चंद्रा, डॉक्टर दीपेंद्र वर्मा, डॉक्टर राजशेखर आदि मौजूद रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव का 91वां जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय पर एक गोष्ठी कर अखिलेश यादव के शतायु होने की कामना की गई। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने केक काटा। कार्यालय परिसर में नीम और बरगद का पौधा रोपा गया। इसके बाद जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में मरीजों को फलों की टोकरी वितरित की गई। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, MLC जासमीन अंसारी, विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामेश भारती, पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव, सब्बीर खां, प्रमोद वर्मा, अशफाक खां, विजय वर्मा, कौशलेन सिंह, चंद्रशेखर यादव, अशोक यादव, राम प्रकाश यादव, रमेश चंद शुक्ला, अंकित त्रिवेदी, दीपक शुक्ला तिवारी, डॉक्टर चंद्रभाल भार्गव, राजकिशोर गौतम, सादिया खान, जयकरण राजवंशी, मूलचंद यादव, सुनील यादव, संदीप कश्यप, देवेंद्र यादव, करुणेश मिश्र, शिवपाल सिंह, चंद्रिका मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। दूसरी तरफ पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल और सपा नेता सचिन जायसवाल के द्वारा माल गोदाम स्थित कार्यालय पर जन्मदिन मनाया गया। पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल ने सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन पर केक काटा। सपा नेता सचिन जायसवाल ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भी याद किया। इस मौके पर अताउल्ला अंसारी, रुपेंद्र कुमार पाल, डॉक्टर रजी उल्ला खान, असगर अली, मुनिंद्र यादव, अमरजीत यादव, मोहम्मद सारिफ खान, हरेराम मिश्रा, यश यादव, सुमित कुमार वाधवानी, आकाश सिंह, जावेद अंसारी, सरताज खान, सराफत अली, कमलेश जायसवाल, अनुभव सक्सेना, सरदार सिंह, अजय श्रीवास्तव, अकील खान, पंकज यादव, नेता संजीव दीक्षित, पप्पू जायसवाल, शिवशंकर जायसवाल, राजू कश्यप, रोहित, रमेश दीक्षित, मोहम्मद समीम खान और विक्की शर्मा आदि पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। सीतापुर में पराविधिक स्वयंसेवकों के मनोनयन के लिए 3 और 4 जुलाई को साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के लिए जनपद न्यायालय परिसर सीतापुर स्थित नवीन सभागार को चयनित किया गया है। इस आशय की जानकारी सूचना विभाग ने दी। सूचना विभाग के मुताबिक क्रम संख्या 1 से 100 तक 3 जुलाई एवं क्रम संख्या 101 से अंत तक आवेदकगणों का साक्षात्कार 4 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे से होगा। ब्लॉक महमूदाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बघाइन में वन विभाग की ओर से पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ और महाअभियान का शुभारंभ किया गया। उप क्षेत्रीय वन अधिकारी संतोष वर्मा ने कहा कि पौधों की रोपाई के बाद उन्हें अपने संतान की तरह देखरेख की जरूरत होती है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका अर्चना वर्मा, उमेश वर्मा, पवन कुमार, दीप्ति वर्मा, प्रधान प्रेमचंद वर्मा आदि मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला सहकुलीपुर में सोमवार को एक क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। यह क्लिनिक हारून हाशमी द्वारा खोला गया, जिसका उद्घाटन उनके पिता सब्बीर हुसैन ने फीता काटकर किया। हारून हाशमी ने बताया, क्लिनिक में मात्र OPD चलेगी। OPD के माध्यम से मरीजों को कम शुल्क पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस मौके पर हारून हाशमी, डॉक्टर अफरोज खान, डॉक्टर शादाब अंसारी मौजूद रहे। लखीमपुर के मितौली ब्लॉक से होकर खीरी ब्रांच की नहर निकली है। उसी नहर पर पचदेवरा गांव का मुख्य मार्ग है, जो सीतापुर गोला मार्ग से गांव को जाता है। सड़क पर स्थित एक तरफ की पुलिया सहित सड़क नहर में कटकर गिर गई है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इस तरफ किसी भी जिम्मेदार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। नागरिकों ने समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट सीतापुर की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर के अधिवक्ता चैम्बर नंबर 16 में किया गया। चैम्बर में ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह गौर एडवोकेट ने अपने पिता गोविंद प्रताप सिंह गौर की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह, सीतापुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय अवस्थी, वरुण सिंह तोमर, इसरत अली खां, चंद्रभाल गुप्ता, नरेंद्र त्रिपाठी सहित कई अधिवक्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
कोतवाली मिश्रिक में एक बैठक कर नए कानून नियमों की जानकारी दी गई। पीस कमेटी की बैठक के जरिए मुहर्रम और सावन के महीनों में कांवड़ यात्रा आदि को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना, सीओ राजेश कुमार यादव कोतवाल, शैलेंद्र श्रीवास्तव एसएसआई नयन सिंह, कस्बा इंचार्ज अखिलेश प्रताप सिंह, प्रशांत सिंह प्रधान, लोकनाथ मौर्य, सभासद बबलू जब्बार सहित संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। रामपुर मथुरा विकास खंड क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत छात्रों को रोली लगाकर मिष्ठान वितरित किया गया। कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहायक शिक्षकों ने विद्यार्थियों पर पुष्प वर्षा की। तुलसीपुर खरिका में खंड शिक्षा अधिकारी उदयमणि पटेल ने बच्चों का स्वागत किया। उन्होंने बताया सभी 187 विद्यालयों में 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति रही है। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के ठाकुरगंज विद्यालय में ग्राम प्रधान दिलीप गुप्ता ने नव प्रवेशी छात्रों को तिलक लगाकर माल्यार्पण किया। विद्यार्थियों को एमडीएम के तहत सब्जी पूड़ी परोसा गया। इस मौके पर हेडमास्टर दिनेश कुमार तिवारी, सहायक अध्यापक अजय कुमार त्रिपाठी, अनुज कुमार सिंह, सपना यादव, शिक्षा मित्र साधना वाजपेयी मौजूद रही। सोमवार को हुई भारी बारिश से नगर सिधौली के मिश्रिक मार्ग तहसील रोड पर जलभराव हो गया। डाक बंगला के सामने हुए जलभराव से लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतें हुई। महमूदाबाद चौराहे से पावर हाउस रोड पर कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे नगर पंचायत सिधौली की सीमा में जल निकासी की व्यवस्था की पोल खुल गई। प्रेमनगर दक्षिणी की सभासद आबिदा ने ईओ रेणुका यादव को पत्र लिखकर सड़क के दोनों तरफ नालों की सफाई कराने की मांग की है। दूसरी तरफ नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भीषण जलभराव हो गया है। सीतापुर पुलिस ने विद्युत तार के 13 अदद बंडलों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक कमलापुर पुलिस टीम ने बिहार प्रांत के पकरेल विंड टोली निवासी संजय कुमार, दिल्ली के थाना सीलमपुर निवासी तोहित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रमेश चंद जसवाल, कांस्टेबल कृष्णपाल जय कुमार शामिल रहे। सीतापुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार करने का दावा किया है। खैराबाद पुलिस टीम के मुताबिक थाना मानपुर क्षेत्र के हतिया गाजीपुर निवासी राजेश को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम ने सफलता पाई है। इस टीम में उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव, मुख्य आरक्षी रूप नारायण यादव, सत्येंद्र कुमार शामिल रहे। हरदोई मिश्रिक मार्ग पर सोमवार को कासवी मैरिज लॉन का शुभारंभ हुआ। कासवी मैरिज लॉन के प्रोप्राइटर प्रशांत वैश ने बताया कि लॉन का निर्माण सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कराया गया है। उद्घाटन अवसर पर राजन मिश्रा, आलोक मिश्रा, रतन कुमार वैश्य, नितेश वैश्य शामिल रहे। थाना पिसावा पुलिस ने मारपीट के एक मामले में नए कानून की नई धाराओं के तहत पहला केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के मूड़ा खुर्द निवासी सरोज ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में अपनी 2 बहन व 1 भांजी पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि नई धाराओं में केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की तरफ से डीएम को एक पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के जरिए पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि एक ही पटल पर कई वर्षों से एनआरपी जमे हुए हैं, यही इसी एक ब्लॉक का हाल नहीं है। ब्लॉक एलिया, पिसावा, गोंदलाम और सहित विभिन्न ब्लॉकों में वर्षों से एनआरपी अंगद की तरह पाँव जमाए हुए हैं। उन्होंने एनआरपी अकाउंटेंट और मनरेगा योजना में तैनात एपीओ का तबादला किए जाने की मांग की है। सोमवार को तहसील मिश्री का परिसर जलभराव में तब्दील हो गया, जिससे तहसील आने वाले वादकारियों फरियादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। झमझमा हुई कि बारिश ने एक जल निकासी की व्यवस्था को उजागर कर दिया। अधिवक्ता रामबख्श सिंह, सुरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार सिंह आदि ने नाला की सफाई कराने की मांग की है। बारिश होने के साथ ही पौधारोपण किया जाने लगा है। सोमवार को रोटरी क्लब के सदस्यों ने हिंदू कन्या महाविद्यालय परिसर के खाली मैदान में फल और छायादायी पौधों का रोपण किया। पौधरोपण में अध्यक्ष तुषार रस्तोगी, सचिव अमन कृष्ण, सुजीत श्रीवास्तव, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रमोद धवन, गोविंद चंदानी, रवि रत्न, मोहित अग्रवाल, संजीव गुप्ता, शालिनी गुप्ता, इंदू रत्न, विनय अग्रवाल, रुचि अग्रवाल पौधरोपण में शामिल हुए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. We'll be right back.
ब्लॉक पिसामा क्षेत्र के नेवादा स्थित बालाजी धाम में मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। इस आशय की जानकारी मुख्य संस्थापक स्वामी अशोकानंद महाराज ने दी। उन्होंने बताया प्रकटोत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। मोहली कोतवाली क्षेत्र में चोरियों की घटनाएं थम नहीं रही हैं। सोमवार की रात चोरों ने एक मकान में रह रहे देवर और भाभी के यहां नगदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। मुड़िया गांव की रहने वाली गीता देवी और दिलीप कुमार के घर में दाखिल हुए चोरों ने 7,000 की नगदी सहित जेवरात चुरा ले गए। कोतवाल उमाकांत शुक्ला ने बताया जानकारी मिली है, जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के गांजरी इलाके में दर्जनों अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन अवैध अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा में आने वाले मरीजों को बहला फुसला कर ले जाता है। यह आलम तब है जब कई मरीज इलाज के दौरान इन्हीं अस्पतालों में दम तोड़ चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि शिकायत के बाद भी ऐसे अवैध अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएससी रेउसा अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा ने बताया कि अस्पतालों को पहले 3 बार नोटिस जारी की जाती है, जवाब न मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में अटरिया स्थित हिंद हॉस्पिटल में एक वृहद कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन निदेशक डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल और मुख्य अतिथि सीतापुर के सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह रहे। निदेशक डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर्स डे डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ए के सचान, प्रिंसिपल डॉक्टर नरसिंह वर्मा, डॉक्टर अभिषेक पाठक, राजेश कुमार राय आदि मौजूद रहे। तहसील मिश्री क्षेत्र के ग्राम लुधौरी निवासिनी रामदेवी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। रामदेवी का आरोप है कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक समजातीय युवक के साथ प्रेम विवाह किया था। विवाह संपन्न हुए करीब 5 साल बीत चुके हैं, फिर भी उन्हें अपने गांव आने से रोका जा रहा है। रामदेवी ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। थाना टरिया क्षेत्र के ग्राम नवा गांव निवासिनी सलोनी मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक को पत्र प्रेषित कर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की है। सलोनी मिश्रा का आरोप है कि वह जब भी अपने घर से बाहर निकलती है तो गांव के कुछ लोगों द्वारा उन पर फफ्तियां कसते हुए परेशान किया जा रहा है। यहां तक कि गांव में लगे सरकारी नल पर पानी भरने के लिए भी वह घर के बाहर नहीं निकल पाती। सलोनी मिश्रा ने उचित कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर सदर सीट से पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल के बेटे सपा नेता सचिन जायसवाल ने रविवार की शाम पीडीए पेड़ वितरित किए। यह कार्यक्रम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव अनस खान, जिला उपाध्यक्ष लोहियावानी अजीत सिंह यादव, दीपक रावत, जफर खान, खालिद खान, विकास यादव, जावेद खान, मोहम्मद समी आदि शामिल हुए। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एडीएम संजय कुमार सिंह, एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, डॉक्टर प्रमोद वर्मा, डॉक्टर धनीराम मौजूद रहे। भारतीय योग संस्थान के तत्वावधान में योगा के गुरु नानक इंटर कॉलेज सभागार में महत्वपूर्ण योगा सत्र संपन्न हुआ। सत्र में अधिकारियों, केंद्र प्रमुखों, महिला और पुरुष योग साधकों ने भाग लिया। इस मौके पर किशोर कुमार, होतीलाल, नरेश चंद्र वर्मा, अर्चना श्रीवास्तव मौजूद रहीं। दुधवा नेशनल पार्क से अत्यंत रोमांचित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दुधवा की सड़क पर एक बाघ को स्वच्छंद होकर आराम करते देखा जा रहा है। लगातार ऐसे वीडियो सामने आने से वन्य जीव प्रेमियों में खासा उत्साह है। लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत बंगलहा तकिया में मलंग शाह बाबा का उर्स धूमधाम से मनाया गया। कमेटी के संस्थापक ठाकुर दिनेश सिंह ने बताया कि यह आयोजन पिछले 32 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुले परिषदीय विद्यालयों में सोमवार को खासी रौनक दिखी। विद्यालय पहुंचने पर बच्चों को रोली टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों के बीच मिठाई और टॉफियां बांटी। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया जिले के सभी 3,106 परिषदीय स्कूलों को गुब्बारों और रंगोली से सजाकर प्रवेश उत्सव मनाया गया। अब खबरें प्रदेश से। यूपी की प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर से। दरअसल सोमवार को अखिलेश यादव का 91वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बता दें जन्मदिन पर यूपी के सभी जिलों में पीडीए पौधरोपण की शुरुआत हुई। यह अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा। जन्मदिन पर अस्पतालों में मरीजों को फल बांटने के साथ कार्यकर्ताओं ने कई जगह रक्तदान भी किया। यूपी में मूल रूप से सिफई में रहने वाले अखिलेश यादव ने देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई। मात्र 38 साल की उम्र में ही उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। हालांकि मोदी लहर में सपा की नाव डगमगाई जरूर, मगर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सपा को बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। अब सपा मुखिया का लक्ष्य 2027 का विधानसभा चुनाव है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को जन्मदिन पर बधाई दी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा कि प्रभु श्री राम आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। देश की न्याय व्यवस्था में सोमवार का दिन कई बदलाव का साक्षी बना। 1 जुलाई से अंग्रेजों के समय से बने क्रिमिनल लॉ की जगह मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए 3 नए कानून प्रभावी हो गए। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता अब इंडियन पिनल कोड की जगह लेगी। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी प्रभावी होंगे। बता दें यह तीनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास किए गए थे। इन नए कानूनों में अब दुराचार की धारा को 375 और 376 को बदलते हुए धारा 63 कर दिया है। ऐसे ही सामूहिक दुराचार की धारा को बदलते हुए 70 किया गया है। हत्या से जुड़े मामलों की धारा 302 को बदलकर अब धारा 101 कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से सीतापुर सहित 24 जनपदों को अति संवेदनशील मानते हुए विशेष निगरानी एवं व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से लगे जनपदों में विशेष सतर्कता बनाई रखी जाए। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। थोड़ा देर से सही सक्रिय हुए मानसून के बाद यूपी के सीतापुर सहित विभिन्न जनपदों में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून की सक्रियता को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश के 60 जनपदों में भारी बारिश और आंधी आने का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव, बाराबंकी सहित प्रदेश के 60 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पहली बारिश के बाद जो हाल अयोध्या में रामपथ का हुआ है, उसमें अयोध्या में हुए निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष के हाथ भाजपा सरकार को घेरने का बड़ा राजनीतिक हथियार भी लग गया है। चर्चा यह है कि अयोध्या फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद लोकसभा में इस मुद्दे को उठा भी सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम से उत्साहित कांग्रेस संगठन अब नए सिरे से बदलाव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कई जिलाध्यक्षों का पत्ता कटेगा तो कई कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश नेतृत्व जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर लगातार अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। बता दें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते विगत दिनों अम्बेडकर नगर के जिलाध्यक्ष को निष्कासित किया जा चुका है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई जिलाध्यक्ष प्रदेश के निशाने पर हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक अब संगठन में काम करने वालों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बिजली उपभोक्ता को जोर का झटका देने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने कलेक्शन से लेकर कई अन्य कार्यों के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ ही कनेक्शन की दरें बढ़ाने, रीकनेक्शन और डिसकनेक्शन की भी दरें बढ़ाने की तैयारी की है। इसी तरह बिजली बिल के लिए जो मैसेज आएगा उस पर भी 10 रुपये वसूलने की तैयारी की है। यूपी में संपन्न हुई विभिन्न परीक्षाओं के लीक होने पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा कि देश में समय समय पर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की पवित्रता के साथ ही वर्तमान में खासकर मेडिकल की नीट, यूजी एवं पीजी परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उससे लोगों में बेचैनी, चिंता व आक्रोश की लहर स्वाभाविक है, जिसका शीघ्र सही स्थायी समाधान निकालना बहुत ही जरूरी। नए कानून लागू होते ही बीएनएस के तहत बरेली के बारादरी थाने में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा सुशील कुमार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर दर्ज हुआ है। बताया जाता है कि बारादरी थाना क्षेत्र के दोहरा रोड स्थित अस्पताल से 1 माह का बच्चा गायब हो गया था। इसी को लेकर बारादरी थाने में तहरीर सुशील कुमार की तरफ से दी गई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सोमवार को गाजीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मेरे पापा परमवीर पुस्तक का लोकार्पण किया। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीर पर आधारित इस पुस्तक को डॉक्टर रामचंद्रन श्रीनिवास ने लिखकर तैयार किया है। धामुपुर गांव स्थित वीर अब्दुल हमीर पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुस्तक का लोकार्पण किया। नीट पेपर में हुई धांधली का आरोप लगने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक बेदीराम का विरोध होने लगा है। सोमवार को यूपी के वाराणसी में विधायक बेदीराम का पुतला दहन किया गया। नेशनल इक्कल पार्टी और NSUIA कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर पुतला फूका। बता दें बेदीराम गाजीपुर जिले के जखनिया से विधायक हैं। इस मौके पर विधायक के भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति की जाँच को लेकर एक पत्र भी मुख्यमंत्री को DM के माध्यम से भेजा गया।
कानपुर के काशीराम अस्पताल में संचारी रोग अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जल भराव की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काफिला भीषण जल भराव से निकलने को मजबूर हुआ। हैरान करने वाली बात तो यह रही कि जल भराव को लेकर नगर निगम के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रामा देवी स्थित काशीराम अस्पताल में संचारी रोग अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे थे। यहां उन्हें जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ा। यह था आज का खबरनामा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।